सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हाँ जी, कहाँ मेरे लड़की को दवाई जा दी है तू? ये क्या हुआ यार? करंट लगता है, पता नहीं कि ये बेडशीट ऐसी है ना, इस पर से अर्थिंग आती है और इस पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके जब जैसे मैं छूंगा ना किसी को, मेरे को करंट लगता है। मैं ऐसी भी होता होगा ऐसा, आई थिंक मैं ऐसी बेडशीट लेकर आई थी कि ना करंट लगे, ठीक है ना। और आज का ब्लॉग मैंने अभी मतलब लास्ट ब्लॉग अभी एंड किया और मैं दोबारा से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट ना मैं एडिट कर रहा हूं, ये एडिट कर रहे हैं। तो फिलहाल में जो हमने इसको दवाई दिलाई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आयु को दवाई पिला चुकी हूँ मैं और ये डर के मारे, वैसे दवाई पीता नहीं है, वॉमिट कर देता है, लेकिन इसे डर रहा है कि दांत ना निकल जाए मेरा। लेकिन अगले ब्लॉग में गाइस, इसी ब्लॉग में या अगले ब्लॉग में इसका दांत जरूर निकलवाएंगे हम लोग। नहीं, अगर ये इसका चक्कर, एक मिनट लगेगा, मेरी बीच की मांग निकलेगी क्या? गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। अच्छा लग रहा हूँ ना, कितने गंदे और कितने भयानक लग रहे हो। भयानक से अच्छे डर जाऊं मैं। भयानक चीज को छोड़ क्यों नहीं देती तू? मैं क्यों छोड़ दूं? आजाद कर दे इस भयानक चीज को। तो आजाद हो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी, तुम जाओ तो मुझे। अच्छा। तो बस अभी हम उतरो, मैं अभी दूध लेने जा रही हूँ, नीचे से दूध पियेंगे, सारे के सारे दूध पियोगे? बिल्कुल पियेंगे, तुम दोनों ही पियोगे ना, और मैं भी पीऊंगा। है नहीं, दूध पीना पड़ेगा। मतलब कैसे बच्चे दूध नहीं पीते? आज क्या नहीं आते? बारात जा रही है आज? नहीं तो बस मैं अब दूध लेकर आ रही हूँ, ठीक है? और फटाफट से मेरा ब्लॉग एडिट कर दो। मेरा ब्लॉग लेट इसलिए मिलता है आप सबको, क्योंकि ये एडिट नहीं करते हैं। तो आप सब अब इनको कमेंट करना, दीमक लग रही है। तो आप सब अब इनको कमेंट, हाथों में दीमक लग रही है। मैं बता रही हूँ ना, मेरे हाथों में दीमक लगने क्या लग रही है। तो आप सबको जब भी कंप्लेंट करते हो आप ब्लॉग लेट आते हो, तो इसी वजह से, क्योंकि ये मेरे ब्लॉग एडिट नहीं करते। तो गाइस आप जरा इनको समझाइए कि एक बंदा नौकरी भी करता है, अपना वीडियो भी एडिट करता है, फिर ये अपना वीडियो लाके दे देते हैं। जैसे धोबी को लाके कोई कपड़े दे देता ना, भैया ये पैंट शर्ट मेरे भी प्रेस कर दो। मेरे को एक बात बताओ, मैं एडिट कर दूंगी ना, मेरी एडिटिंग इनको पसंद नहीं आती। मेरे को पसंद ना आया ना आया, ठीक है? फिर ये बोलते हैं उन्होंने देखना है, ऐसे करिए एडिटिंग वैसे करिए, फिर खुद लेके बैठ जाते हैं। तो फिर खुद ही कर लो ना, फिर मेरे से मेहनत क्यों करा रहे हो? तो भाई मेरी नाक कटती है यार। तो नाक कट रही है, नाक संभालने के लिए बोला तो मैं एडिट करा करूं। ठीक है, चैनल नेम चेंज कर ले, प्रतिका कास्ट ब्लॉग पर जो मर्जी डाल। वो मैं करूंगी नहीं वो मैं करूंगी नहीं। तो चलिए, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आपसे। गाइज अभी अभी आपकी भाभी जी हो गई है प्रैंक का शिकार। मैं लेट हो रहा था लेकिन इस औरत ने मेरे को फिर भी जाने नहीं दिया। मेरा प्रैंक एंड हो गया था, मैं भाग गया था ऑलमोस्ट बाहर, इसने फिर पकड़ के ले आई, कह रही दो मिनट बैठ के जाओ। क्यों भाई? कूटना बाकी रह गया था ना। कूटना? ए जाओ यहाँ से पूतना। एनीवेज यार, आज आदमी तो दिन रात दुखी कर, रात के 2 बजे भी दुखी करना, सुबह सुबह भी दुखी करना, मतलब के 15 दिन का सारा बदला लोगे क्या मेरे से? बाकी बाद में देखेंगे यार, लेते रहेंगे, क्या दिक्कत है। और यार कल ना मैं ना एक कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक कमेंट देखी, उसके बाद ना मैं अपने आपको रोक नहीं पाया। ये कमेंट देखो आप, मतलब ये भाई कमेंट कर रहा है और वो उसको नीचे कमेंट में कर रहा है, जॉर्डन की कॉपी चाहिए क्या? मस्त होते हैं ऐसे लोग, ऐसी कमेंट देख के मेरे को ऑलवेज हंसी आ जाती है। ठीक है, फिलहाल सारा दिन मैडम के साथ रहिए आप लोग, मैडम शूट करेंगे और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, तो मैं आता हूँ जल्दी। आज मैं एक्चुअली बाहर जा रहा था, ठीक है? सो वो इसको ऑलरेडी पता था कि आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब काम नहीं पता था तो काम मैंने इसको बता दिया। चलिए हम हमारा काम निपटा के आते हैं और फिर मिलते हैं शाम को इन लोगों से।
बजे का 10:30 बजे का वेदर ऐसा है दिल्ली के अंदर मानो जैसे दिन के 2 बज रहे और धूप निकल रही है एकदम साइलेंट वाली। भाई इसकी भैंस की टांग, गाड़ियों पे चमक देख रहे हो धूप की, ये सुबह 10:30 बज रहे हैं। आजकल सुबह होती नहीं है, सीधा दोपहर हो जाती है और शाम होती नहीं है, सीधा रात हो जाती है। खतरनाक चल रहा है भाई। लोग कह रहे थे ना गर्मी नहीं पड़ रही, इस बार गर्मी नहीं पड़ रही, गर्मी नहीं पड़ रही, कूलर नहीं बिक रहे, एसी नहीं बिक रहे, फ्रिज नहीं बिक रहे, बेचो अब, दबा के बेचो भाई, पड़ रही है गर्मी, अब मत करना रोला रप्पा ना पालना। अब छोटे छोटे से बच्चे हैं गाइस और धूप में कैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, और चद्दर ओढ़ रखी है इन्होंने और धूप में बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल है यार, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। सही में देखो दोनों छोटे छोटे से हैं, वो साइड में भी लड़का है छोटा सा और एक गुड़िया है छोटी सी, बेचारे धूप से देखो कैसे परेशान हो रहे हैं। तो है ना भाई, सबके लिए सेम नहीं होती, एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है, सब परेशान ही रहते हैं टोटल। आप देख रहे हो कि सबकी लाइफ सेम नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। मुझे तो देख के ना बिल्कुल हार्ट ब्रोकन ब्रोकन हो गया यार कसम से। मैडम का कॉल आया है कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मेरी थंबनेल बना दो। भाई साहब गाड़ी रोड पे साइड में लगा करके फिर मैडम की थंबनेल बना रहा हूँ मैं। चलो यार इसकी थंबनेल बना देते हैं फिर निकलते हैं घर की ओर, आज काम सारा निपट गया है, जल्दी मैं फ्री हो गया हूँ, तो चलते हैं घर और मचाते हैं कुछ धमाल। आप ये ना उनको फोन आया है कि मैं बस आने वाला हूँ, इधर पहुंच चुका हूँ, तो मैंने ना चिकन उनके लिए तैयार कर लिए, जो वो घुसेंगे ना वाली पैंट पकड़ने का मन भी नहीं करता क्योंकि मुझे बड़ी अजीब सा लगता है इससे, लेकिन ट्राई करूंगी। वो आएंगे ना तो उनको देखती हूँ, आने वाले वैसे उनको कॉल आया था अभी। हाँ उठा ना उठा, आज मैंने ऑलरेडी ना गेट सब खोल दिया पहले से। बाहर से बंदा आया, कैसा लगा कैसा लगा? ये रही हमारी छिपकली और इतना लग रही है बिल्कुल। क्या छाट रहे हो, क्या बीन रहे हो तुम लोग? गोलगप्पे लेकर आए ये देखना, इसमें खाना शुरू कर दिया, चल रही है ये तो तोड़ तोड़ के खा रहा है, तेरा क्या फायदा गोलगप्पे खाने का? वही तो सही है भाई, मजे हो रहे हैं, पार्टी चल रही है तुम्हारी तो यार। पार्टी हो रही है पार्टी। और भाई हम आज थोड़ा सा जल्दी आ गए ऑफिस से और इसी बहाने हमें देखने को मिला कि हमारी पीठ पीछे कितनी पार्टियां करती हैं मैडम। ऐसा कुछ नहीं, छिपकली गिर रही है, उससे पहले सो रही थी जब मैंने फोन किया था, तो मतलब दिन में सोती है और शाम को फिर इसकी पार्टी चलती है और रात को मुझे दुखी करती है। सही है बेटे, बहुत मजे हो रहे हैं जिंदगी के, मजे तुम ही ले रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, रोज पार्टी चलती है ना बेटा? देखा नहीं चलती, चलती है। तुम आए थे वैसे तुम्हें खिलाने के लिए गोलगप्पे, लेकिन मैं खा के नहीं आ जाती वहां से। बहुत बढ़िया, मैं पागल बना रही हूँ मेरे को, पागल नहीं बना रही, सच बोल रही हूँ। अरे गाइस इन्हें गोलगप्पे खाने देते हैं और 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 क्या मैडम? और कुछ नहीं, बस गोलगप्पे खाते हैं फिर मिलते हैं। खाओ खाओ खाओ, ये तो मैंने भी एक गोलगप्पा ट्राई कर लिया। एक नहीं दो खाए, दो खाए, दो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रही है लड़की, दो खाए, एक ही खाया मैंने, झूठ, दो खाए हैं मैंने। और गोलगप्पे सच में बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ बहुत टेस्टी गोलगप्पे मिलते हैं। तो खाने हो ना कभी, किसी लड़की को खाने हो कभी, तो मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे डीएम करें, इंस्टाग्राम पे डीएम करें,
और मैं उनको अपने यहाँ से गोल गप्पे खिलाऊंगा। तो आप सभी लड़कियों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि लड़कों के लिए मैं ऑफर दे रही हूँ, फ्री गोलगप्पे हैं मेरी तरफ से, बिल्कुल फ्री गोलगप्पे हैं। नहीं नहीं वहां भी ऐसी होती है जो फ्री में मिल रहे हैं, मेरी तरफ से फ्री है। आप आइए और अपनी सहेली भी लाइए और मेरे साथ गोलगप्पे खाइए, ठीक है? पानी तो खट्टा शायरी मारिए।